आज मैं आप सभी के साथ उमा देवी का केस शेयर करने जा रही हूँ। उमा देवी जिनका जन्म नगीना नाम से फरुखाबाद में हुआ। उमा देवी एक स्कूल में टीचर थी और उत्तर प्रदेश में एक जगह है फरुखाबाद, वो उस जिले में रहा करती थी। उनके पति एक बिजनेसमैन थे और मोहम्मदाबाद में उनकी किताबें और स्टेशनरी बेचने की दुकान थी। ये दोनों पति पत्नी हिंदू थे। इनके चार बच्चे थे, दो लड़कियां और दो लड़के। लेकिन उमा देवी का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल नहीं था। उनके अपने पति से झगड़े होते रहते थे। इसी तरह से 19 मई 1987 को उनके और उनके पति के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उमा देवी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय उमा देवी की मृत्यु हुई वो 47 साल की थी। उमा देवी का रीबर्थ एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ अक्टूबर 1990 में, जब उमा देवी की मृत्यु को लगभग 3.5 साल हो चुके थे। तब उनका जन्म एक मुस्लिम सुन्नी परिवार में हुआ और स्वाभाविक तौर पर वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, इसलिए उस परिवार में रीबर्थ पर बिलीव नहीं किया जाता था। ये परिवार भी फरुखाबाद में ही रहता था और इनका घर भी उमा देवी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी दूरी पर ही था। और जो नगीना के पिता थे वो तांगा चलाने का काम करते थे। नगीना का व्यवहार बचपन से ही कुछ अलग था। जैसे कि उनके पिता बताते हैं कि जब वो 1 साल से भी कुछ थोड़ी सी बड़ी, 1.25 साल 1.5 साल की थी, उन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, तो उनके घर उनकी चाची जी आईं और उनकी चाची जी ने उस बच्ची से सरसों के तेल की शीशी लाने को कहा। तब नगीना केरोसिन की शीशी उठा लाई और इस पर चाची को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेगी। तो नगीना, क्योंकि उस वक्त उसे बोलना तो आता नहीं था, तो उसने इशारा किया कि केरोसिन की बोतल को सिर पर उड़ेलेंगे और फिर माचिस की तीली जला कर लेंगे। इसका भी इशारा किया उसने कि माचिस की तीली जलाकर खुद को आग लगाएंगे, ऐसा उसने नाटक किया। और ये व्यवहार उसने कई बार किया, इस तरह का नाटक उसने कई बार किया, जबकि ये और वो बहुत मासूम थी उस वक्त। जब उसे बोलना भी नहीं आता, तब से उसका इस तरह का एक खेल बन गया था। जब नगीना लगभग 3 साल की हुई, उसे थोड़ा बहुत बोलना आया, तो उसने बताया कि वो पूर्व जन्म में उमा देवी हुआ करती थी और एक स्कूल में टीचर थी। उसकी दो बेटियां थी, उसके दो बेटे थे। और नगीना ने ये भी बताया कि किस तरीके से उसका अपने पति से झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने आत्महत्या करी। इस सारी बात को उसने जब वो 3 साल की उम्र की थी तभी बता दिया। जैसा कि मैंने बताया कि नगीना के मुस्लिम पिता और उसका परिवार पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखते थे, तो जब नगीना ऐसी बातें करती थी तो उसके पता नहीं उन्हें उनके क्या विचार थे। शायद उन्हें लगता था कि इस तरीके से नगीना का व्यवहार ठीक हो जाएगा या नगीना अपने पूर्व जन्म की यादें भूल जाएगी, शायद ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग रही होगी। तो वो नगीना के सिर पे मारा करते थे ताकि वो अपनी बातें, ऐसी बातें बोलना बंद कर दे, अपने पूर्व जन्म की यादों को दोहराना बंद कर दे। लेकिन इससे कुछ नहीं होना था, तो इससे कुछ नहीं हुआ। उनका ये उपाय असफल रहा और नगीना अपने पूर्व जन्म की बातें करती रही। जब ये सारा किस्सा उमा देवी के बेटों को पता चला, तो वो कि क्या उनकी माँ ने रीबर्थ लिया है, ये जानने के लिए उन्होंने नगीना से मिलने का फैसला किया। और नगीना ने अपने बेटों के साथ इस तरह की बहुत सारी बातें साझा करी जो उनके परिवार के लोग ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। जब उसने बातें समझी करी अपनी, तो बड़े बेटे को तो पूरा यकीन हो गया कि ये उनकी माँ का रीबर्थ ही है, लेकिन छोटे बेटा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। खैर, दोनों परिवारों में संपर्क बना रहा और अप्रैल 1996 में नगीना, उस वक्त लगभग 5.5 साल की थी, उमा देवी का जो पति था उसकी भी मृत्यु हो गई। चाहे तो उमा देवी के रिश्ते अपने पति से अच्छे नहीं रहे थे, दोनों के बीच में कलेश रहता था, लेकिन इसके बावजूद जब नगीना को ये पता चला कि उसके पास्ट बर्थ के उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो जबकि वो उस वक्त बच्ची थी, वो उस वक्त 5 साढ़े 5 साल की थी, लेकिन तब भी वो इस बात से बड़े परेशान थी कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर पचरीसा जो कि इस केस की जांच कर रहे थे, इससे पिछले वाले केस की जांच भी डॉक्टर पचरीसा ही कर रहे थे, क्योंकि पुनर्जन्म के जो केस होते हैं उनमें बहुत सारी शारीरिक
आदतें और चोटों के निशान ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसकी जांच डॉक्टर पचरिसा कर रहे थे, डॉक्टर वाल्टर के साथ मिलकर इस केस पर वो भी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नगीना के पेट पर कुछ काले रंग के निशान बाय बर्थ ही थे और वो उसके जलने से संबंधित निशान हो सकते थे। यहाँ पर डॉक्टर वाल्टर ने एक चीज़ और भी साझा की है जिसके विषय में मैं नहीं जानती थी, ये एक नई बात जानने को मिली है। उन्होंने कहा है कि जो शिया मुसलमान हैं वो फिर भी पुनर्जन्म के विचारों के प्रति थोड़े से खुले हैं, बिलीव चाहे पूरी तरह से वो भी ना करते हो पुनर्जन्म में, लेकिन वो थोड़ा सा स्वीकार करते हैं इन विचारों को। लेकिन जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो ये शाखा है मुस्लिम धर्म की, ये बिल्कुल भी पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करती। और उमा देवी का जो रीबर्थ हुआ वो सुन्नी मुस्लिम परिवार में ही हुआ, जहाँ पर स्ट्रिक्टली इस चीज़ से इनकार किया जाता था। शायद इसी वजह से नगीना को बचपन से जैसे शारीरिक सज़ा दी जाती है ना, इस तरीके से सज़ा देकर ताकि वो ऐसी बातें ना करे, अपनी पास्ट बर्थ की बातों को भूल जाए, ऐसी कोशिशें उसके परिवार की तरफ से की गई। आगे डॉक्टर पचीरिसा की राय थी कि 1 साल का बच्चा, 1 सवा साल का बच्चा, वो उमा देवी की मृत्यु के विषय में जानता हो और इस तरीके से एक्टिंग करे, जैसे जैसे एक्टिंग करके नगीना बताया करती थी, ये सारी बातें बच्ची को सिखाई हुई नहीं हो सकती। अब यहाँ पर भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं और कुछ इन्हें पुनर्जन्म के सिद्धांत कह लीजिए। एक तो धर्म में परिवर्तन, यहाँ पर हमने देखा कि उमा देवी हिंदू थी और उनका पुनर्जन्म एक सुन्नी मुसलमान परिवार में हुआ जो पूरी तरह से अगेंस्ट थे पुनर्जन्म के। दूसरा, पूर्व जन्म के निशान जो उनकी बॉडी पर थे वो ट्रांसफ़र हुए। और जो अभी तक हम केस देखते आए हैं सब में हमने देखा कि जो रिबर्थ हुआ है इस तरह के केस में, अच्छा कुछ एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा, वो भी सिमिलर हैं जो इस बुक में नहीं दिए गए, लेकिन हम ध्यान देंगे तो हमें नज़र आएंगे कि इन सब की मृत्यु अप्राकृतिक है, हत्या है या आत्महत्या है, इस तरह की है। कोई भी, या एक्सीडेंट कह लीजिए, कोई भी स्वाभाविक अपनी आयु से बुढ़ापे की मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। और इन सब पे गौर कीजिए कि इन सब का बर्थ, क्योंकि अभी तक तो मैं कई पिछले 3-4 केस शेयर किए हैं मैंने, तो आपने नोटिस किया होगा इन सब का बर्थ अपने परिवार के काफ़ी करीब हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ। एक गांव थे तो दूसरे गांव में हो गया, बस इतनी सी दूरी पर हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा स्थान का भी, और धर्म भी अलग रहे हैं। ये भी एक आपने सिमिलैरिटी नोटिस करी होगी, कुछ निशान भी ट्रांसफ़र हुए हैं। उन इन सब की मृत्यु भी अपनी आयु पर नहीं हुई है, जिन्हें भी ये रीबर्थ अपने याद रहे हैं। इन सब बातों से, अब ये उमा देवी का ही केस है, इससे ही समझ जाइए कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके रीबर्थ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो इतने सारे केस हैं पुनर्जन्म के, इन्हीं के आधार पर आप बात को समझिए कि 2 या 3 साल के अंदर अंदर, किसी का 1 साल में, किसी का, अब इसके केस में उमा देवी के केस में 2-3 साल का गैप था, तो आप देखेंगे 2-3-4 साल के गैप के अंदर अंदर वो लोग भी जो आत्महत्या कर लेते हैं वो भी रीबर्थ ले रहे हैं। तो वो जो एक समाज में भ्रांति सी फैली हुई है कि उनका रीबर्थ नहीं होता जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो भटकते हैं, तो इस चीज़ को इन्हीं सब केसेस के आधार पर समझिए और इनसे बाहर निकलिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग कितने नादान हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है, पहले ही वो किसी परेशानी में है, वो आत्महत्या कर रहा है, अब ईश्वर भी उससे नाराज़ रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। संभवतः उमा देवी ने उस दर्द से कर्म उत्पन्न किया जो उन्होंने दूसरों को दिया था, जिसे उन्हें समय आने पर खुद भी अनुभव करना पड़ सकता है। इसके अलावा नगीना को उमा देवी के समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे अधिक उत्पादक तरीकों से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होगी। अब इस बात से क्या निचोड़ निकल के आता है, यहाँ पे डॉक्टर वाल्टर के शब्द पे गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि उमा देवी के समान ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है नगीना को। ये एक आध्यात्मिक बात है, हम समझ सकते हैं कि जो लेसन अधूरा रह गया, जिसे छोड़कर भागा है एक व्यक्ति, वो लेसन कंप्लीट करने के लिए उसे रीबर्थ लेना पड़ेगा, और रीबर्थ में एक बार फिर से वो लेसन उसके सामने आएगा जिसे उसे कंप्लीट करना होगा। आत्महत्या करने के बाद आत्मा मान लीजिए फेल होकर आ गई है, तो
तो मार्गदर्शक अब किस तरीके से उसे अपने लेसन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, इसके लिए उसे मौका भी देते हैं, उसे आत्मालोक में वो अपने ही जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करे, ताकि वो जो जब नेक्स्ट बर्थ मिले तब उसके सामने वही वाला पार्ट आए तो वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बच्चा है वो सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो टीचर उसको होमवर्क दे रहा है, वो कह रहा है बेटा स्कूल में भी आके पढ़ लेना लेकिन पहले घर में जाके इस लेसन को पढ़ के आओ। इसी तरीके से जो आत्मा आत्महत्या करके जाती है सोल वर्ल्ड में, उसे मौका मिलता है कि आप आत्मालोक में उस लेसन को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, अपने मार्गदर्शक के साथ उसे समझिए, अपने आकाशीय रिकॉर्ड में उसे चेक कीजिए। एक तरह से घर से पढ़ के जाइए ताकि स्कूल में पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह से जो आत्माएं जिस सब्जेक्ट में वीक हैं जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी है, उन्हें मौका मिलता है आत्मा लोक में अपने उसी सब्जेक्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करके दोबारा रीबर्थ लेने का। लेकिन जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर वाल्टर ने भी बोला कि उन परिस्थितियों का सामना नगीना को फिर से करना पड़ेगा, यानी हो सकता है नगीना की जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा ना हो, आगे भी जब उसका वैवाहिक जीवन उसके सामने आएगा तो शायद वही परिस्थितियाँ जिनसे भागकर उसने आत्महत्या की थी उसके सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से उन परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम होगी। नगीना का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस केस से हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपने आज पर काम करें ताकि वो नेक्स्ट पथ में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।